हर साल सावन के महीने में मेले की तरह गुलजार रहने वाला जसीडीह रेलवे स्टेशन इस बार कोरोना महामारी के असर का सबूत पेश कर रहा है। दरअसल जिस रेलवे स्टेशन में हर साल सावन के महीने में तिल रखने तक की जगह नहीं होती थी, वही रेलवे स्टेशन आज पूरी तरह से खाली और वीरान पड़ा है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सावन महीने में ये तस्वीर कुछ और ही हुआ करती थी। यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म और उसके आसपास के इलाके गेरुआमय दिखते थे। वहीं श्रावणी मेले का आयोजन जब होता था तो कई सारी ट्रेनें इस रूट से होकर गुजरती थी, इस लिहाज से राजस्व की बढ़ोतरी भी रेलवे को होती थी। लेकिन लगातार दूसरे साल श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा और ना ही कांवड़िए सावन में देवघर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से जसीडीह रेलवे स्टेशन भी सावन के महीने में खाली और वीरान पड़ा है। कोरोना के कारण श्रावणी मेला इस बार नहीं लगा। इस वक्त हम जसीडीह जंक्शन पर हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं जो 2019 में जो प्लेटफॉर्म कांवरिया श्रद्धालुओं से पटा रहता था वो पूरी तरह से खाली है। सिर्फ आप आम व्यक्ति ही हैं। और टिकट काउंटर की अगर बात करें तो टिकट काउंटर भी पूरी तरह से वीरान पड़ी है। भारत के इतिहास में ऐसी तस्वीर दूसरी बार देखने को मिल रही है। कहने की ही रेलवे को जो करोड़ों की आमदनी देता था एक महीने में, वो राजस्व की हानि भी पहुंच रही है। जसीडीह से लगातार .in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।